ये है CND Live 4G Bonding Encoder, कमाल की डिवाइस है। इसमें आप 7 नेटवर्क को एक साथ बॉन्ड कर सकते हो, 5 सिम कार्ड इसके अंदर आप लगा सकते हो, वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाएगा और इथरनेट पोर्ट के थ्रू भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। ये डिवाइस हमें इस तरह की पैकिंग मिलती है, स्ट्रीमिंग द मोमेंट CND Live X1 इसका मॉडल नंबर है। बॉक्स के इस साइड यहाँ पर इसका सीरियल नंबर, सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो फटाफट से करते हैं इसे ओपन। यहाँ पर सबसे पहले एक यूजर मैनुअल दिया गया है, X1 4G बॉन्डिंग एनकोडर क्विक स्टार्ट गाइड, इसके अंदर सारी डिटेल दी गई है, कैसे हमें इसे यूज करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, सारी डिटेल इस यूजर मैनुअल के अंदर दी गई है। तो ये है इसका यूजर मैनुअल। इसके अलावा यहाँ पर एक इस तरह का स्ट्रैप दिया गया है, ये है C-Type to C-Type केबल इसके साथ दी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक इस तरह का पावर एडेप्टर दिया गया है जिसमें C-Type का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। जो C-Type केबल इसके साथ आई है उसे हमें यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है और जिससे हम इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। C-Type केबल के अलावा यहाँ पर दो केबल हमें और देखने को मिलती हैं। HDMI केबल इस तरह की है जिसमें दोनों साइड में आपको नॉर्मल HDMI कनेक्टर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी HDMI केबल है जिसके एक एंड पर नॉर्मल HDMI कनेक्टर है और दूसरे एंड पर मिनी HDMI कनेक्टर दिया गया है। दो HDMI केबल यहाँ दी गई है। तो मेटल का इस तरह का माउंट यहाँ पर दिया गया है जो कि आप अपने कैमरे के ऊपर हॉट शू माउंट पर इसे आराम से माउंट कर सकते हो। काफी बेहतरीन क्वालिटी का मेटल का माउंट यहाँ पर दिया गया है। एक एलन की यहाँ पर दी गई है और एक सिम इजेक्टर पिन इसके साथ दिया गया है। इसके साथ इस तरह का एक काफी बेहतरीन क्वालिटी का कैरी केस भी दिया गया है जिसमें आप डिवाइस को आराम से रखकर कहीं भी लेके जा सकते हो। तो ये है CND Live X1 4G बॉन्डिंग एनकोडर, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की डिवाइस है, कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, पूरी तरह से मेटल से बनी हुई बॉडी यहाँ पर दी गई है। CND Live X1 यहाँ पर ट्राइपॉड पर माउंट करने का एक ऑप्शन दिया गया है, ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया गया है, 5.5 इंच का फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाता है। डिवाइस में नीचे की साइड भी ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन मिलता है, एक SD कार्ड स्लॉट दी गई है, साथ ही साथ 3 सिम कार्ड स्लॉट दी गई है जिसमें आप 3 सिम कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो, और डिवाइस के इस साइड यहाँ पर कुछ वेंटिलेशन के लिए वेंट दिए गए हैं। इसके अंदर बिल्ट इन फैन भी देखने को मिल जाता है, बिल्ट इन बैटरी इसके अंदर दी गई है। डिवाइस के साइड इसके कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं, एक SDI इनपुट पोर्ट दिया गया है, एक HDMI इनपुट पोर्ट दिया गया है, एक USB पोर्ट दिया गया है, वेंटिलेशन के लिए कुछ बैंड्स दिए गए हैं, इसके अलावा एक USB A टाइप पोर्ट यहां पर दिया गया है और टाइप C का पोर्ट भी यहां पर दिया गया है। टाइप C पोर्ट के थ्रू आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। यहां पर LAN का पोर्ट दिया गया है। डिवाइस में आप एक साथ 7 नेटवर्क को बॉन्ड कर सकते हो, डिवाइस को वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, LAN केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा 3 सिम कार्ड आप इसके अंदर लगा सकते हो सिम कार्ड स्लॉट में, साथ ही साथ यहां पर 2 USB पोर्ट दिए गए हैं, USB पोर्ट पर 2 सिम डोंगल भी आप लगा सकते हो। इस तरह से ये 7 नेटवर्क को बॉन्ड कर देती है। तो बिल्ट इन बैटरी इसके अंदर दी गई है और यहां से आप इसे चार्ज कर सकते हो। इस डिवाइस के अंदर आप SDI इनपुट के थ्रू भी अपने कैमरे को कनेक्ट कर सकते हो और HDMI के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही इनपुट आपका इसमें काम करेगा। आप इसे कनेक्ट करके रख सकते हो दोनों इनपुट को, लेकिन एक बार में एक ही इनपुट आपका काम करेगा। और यहां पर जो HDMI इनपुट पोर्ट दिया गया है ये 4K को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर इसके कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए, डिवाइस में बैक साइड में इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, CND Live X1 4G बॉन्डिंग एनकोडर, सीरियल नंबर, सारी डिटेल यहाँ आप देख सकते हो। तो काफी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट साइज डिवाइस है। इसका वेट भी करके देख लेते हैं, काफी लाइट वेट डिवाइस है, 477 ग्राम इसका वेट है। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, डिवाइस हमारी यहाँ पर ऑन हो जाएगी। ये देख सकते हैं CND Live की बैंडिंग यहाँ पर आ रही है। मैंने इसे अपने DSLR कैमरे के ऊपर माउंट कर लिया और HDMI पोर्ट पर मैंने अपने कैमरे को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ये डिवाइस हमारी ऑन हो चुकी है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो हमारे कैमरे की फुटेज आनी स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, CND Live की बैंडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस साइड इसका ऑडियो बार आ रहा है, यहाँ पर CPU यूजेज दिखाई दे रहा है, RAM का यूजेज दिखाई दे रहा है, स्पीड यहाँ पर शो हो रही है। इसके अलावा ग्रीन कलर का यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग की सुविधाएं मिल जाती है, और यहाँ पर CND Live मैनेजर का आइकन शो हो रहा है,
बैटरी स्टेटस आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको इसमें रिकॉर्डिंग करनी हो तो रेड कलर का बटन आ रहा है, इसे प्रेस करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको इसमें एसडी कार्ड लगाना होगा, उसमें आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बीच में स्ट्रीमिंग का बटन दिया गया, इसे प्रेस करोगे तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके CND लाइव मैनेजर में आपकी लाइव फुटेज पहुँचने लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक लॉक अनलॉक का बटन दिया गया, इससे आप इस स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। जब आप इसे प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी, यानी गलती से कुछ भी यहाँ पर टच हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अनलॉक करना हो तो फिर से एक बार प्रेस कर दो, ये स्क्रीन हमारी अनलॉक हो जाएगी। यहाँ पर आपका सारा स्टेटस देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप स्वाइप कराओ तो यहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। CND लाइव H264 एनकोडर यहाँ शो हो रहा है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ से हम ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना हो तो यहाँ से हम ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस की सेटिंग का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इससे आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा इससे आप वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन फ्लिप करने का एक बटन दिया गया, इससे आप इसे वर्टिकल में चेंज कर सकते हो। इसके अलावा स्क्रीन ऑफ का बटन दिया गया है बैटरी को सेव करने के लिए। अगर आप स्क्रीन ऑफ वाले बटन को प्रेस कर दोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, लेकिन आपकी डिवाइस काम करती रहेगी। यहाँ पर फिर से एक बार टच करोगे आपकी स्क्रीन वापस आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आपका ऑडियो बार का बटन दिया गया है, आप ऑडियो बार को अगर हाइड करना चाहो तो इसे क्लिक कर दो, आपका ऑडियो बार दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो स्क्रीन से यहाँ से ऑडियो बार आपका हाइड हो चुका है। फिर से आपको शो करना है तो ऑडियो बार पर फिर से क्लिक कर दो, आपका ऑडियो बार यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन कूलिंग फैन दिया गया है, यहाँ से आप फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। फिर यहाँ पर HDMI इनपुट और SDI इनपुट दोनों सोर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं कि आपका जो कौन सा कैमरा इस पर कनेक्ट है वो यहाँ पर शो होता रहेगा। इसके अलावा CND लाइव मैनेजर का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। CND लाइव मैनेजर को जब आप लॉग इन कर लोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो CND लाइव मैनेजर मैंने यहाँ से इनेबल कर रखा है, यानी हमारे कैमरे की जो पूरी फुटेज है, सारी डिटेल है, वो हमारे CND लाइव मैनेजर पर जा रही होगी। तो हम अपने PC से वहाँ पर सारी डिटेल देख सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम वहाँ से इसे कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर मैंने 3 सिम कार्ड वगैरह लगा रखे हैं तो वो भी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिम 1, सिम 2, सिम 3 सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। 3 सिम कार्ड मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर रखे हैं और वाईफाई के थ्रू भी मैंने इस डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है। इसके साथ आपको एक CND लाइव मैनेजर का सॉफ्टवेयर मिलता है, उस सॉफ्टवेयर को आपको लॉग इन करना है। जब आप इस डिवाइस को परचेज करोगे तो आपको लॉग इन ID और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको अपने PC या लैपटॉप पर जाना है, या अपने मोबाइल फोन से भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो और उसके बाद लॉग इन कर लेना है। लॉग इन ID और पासवर्ड जो आपको मिलेगा उससे आपको लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ही आप CND लाइव मैनेजर को लॉग इन करोगे यहाँ पर आपकी डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लगेगी। हमारे कैमरे की फुटेज यहाँ पर दिखाई दे रही है और HDMI मतलब किस पोर्ट पर आपने सोर्स कनेक्ट कर रखा है वो यहाँ शो हो रहा है। HDMI पोर्ट पर हमारा कैमरा कनेक्ट है उसका फुटेज यहाँ शो हो रहा है, रेजोल्यूशन यहाँ शो हो रहा है, फ्रेम रेट यहाँ पर शो हो रहा है, सैम्पलिंग वगैरह सब यहाँ पर शो हो रहा है। SDI पर कुछ भी कनेक्ट नहीं है तो वो यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एनकोडिंग पर जब क्लिक करोगे तो एनकोडिंग की सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है, एनकोडिंग H264 ये सब डिटेल हमारी डिवाइस की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है और ये आप देख सकते हो। उसके बाद नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है तो नेटवर्क में हमने कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट कर रखा है DHCP तो वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा डिवाइस इन्फॉर्मेशन का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, मॉडल नंबर क्या है, वो वर्जन क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर आपका शो हो जाता है। तो आपकी पूरी डिटेल, पूरी डिवाइस की डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है। अब यहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का आइकन आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी डिवाइस की इंटरनेट स्पीड पूरी यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर आपका सिम की स्पीड शो हो रही है, लैन की स्पीड, वाईफाई, ये सब यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर जो सभी हमारे नेटवर्क हैं इनकी पूरी बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है और टोटल स्पीड भी यहाँ पर शो हो रही है। ये आप देख सकते हो टोटल स्पीड हमारी आ रही है, टोटल स्पीड की डिटेल भी आप देख सकते हो, अलग अलग सिम की क्या स्पीड है वो भी यहाँ पर आ रही है। तो बॉन्डिंग यहाँ पर इसके अंदर चल रही है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आउटपुट का, तो आउटपुट में प्लस के बटन पर क्लिक करो। अब यहाँ से आप सोर्सेज को ऐड कर सकते हो, आप एक साथ कई प्लेटफॉर्म पर इस डिवाइस से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल ऑप्शन मिल जाते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज में आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले SRT का ऑप्शन मिल रहा है, TS/UDP का ऑप्शन मिल रहा है, HLS का ऑप्शन मिल रहा है, RTMP, RTMPS और RTSP का ऑप्शन मिल रहा है। आप इन सभी प्रोटोकॉल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं RTMP वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मैं YouTube पर लाइव करना चाहता हूँ तो RTMP वाला मैंने यहाँ पर
स्ट्रीमिंग सर्विस सिलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया टेस्टिंग X1। उसके बाद सर्वर URL में आपको अपनी YouTube का RTMP URL यहाँ पर पेस्ट कर देने के लिए आपको जाना है YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर। तो यहाँ पर मैंने लाइव स्ट्रीमिंग का टाइटल वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है। उसके बाद इस साइड आप देखोगे यहाँ पर स्ट्रीम URL दिखाई दे रहा है, इसे आपको कॉपी कर लेना है और वापस जाना है अपने CND लाइव मैनेजर पर और स्ट्रीम URL को सर्वर URL को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसी तरह से स्ट्रीम की भी हमें यूट्यूब से ले लेनी है। लाइव कंट्रोल रूम पर जाएंगे और यहाँ पर स्ट्रीम की दिखाई दे रही है, इसे कॉपी कर लेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे और स्ट्रीम की को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सिंपल हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप हो गया। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करोगे आपकी डिवाइस से लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हो टेस्टिंग X1, ये हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप करना हो तो स्टॉप के बटन पर क्लिक करके इसे स्टॉप कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लाइव करना चाहते हो तो यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करो और यहाँ पर आप कोई भी दूसरा प्रोटोकॉल सेट करना है दूसरा भी कर सकते हो, RTMP वाला सिलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अब हम YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर चेक कर लेते हैं कि स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। चलेंगे वापस अपने YouTube लाइव कंट्रोल रूम पर। देख सकते हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। आप देख रहे हो CND लाइव मैनेजर से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारा कोई भी बंदा हो, मान लो अब आप देख सकते हो हमारी जो फुटेज है YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर हमारी फुटेज यहाँ पर शो हो रही है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की डिवाइस है। अगर आप ऐसी जगह से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो जहाँ नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है वहां पर ये डिवाइस बहुत काम आने वाली है। ये डिवाइस 7 नेटवर्क को एक साथ बॉन्ड कर देती है। अब इस तरह से सेटअप करने के बाद सिंपल आपको अपने किसी भी बंदे को साइट पे भेज देना है, वो आराम से वहां पर इस तरह से डिवाइस को ऑन करेगा, अपने कैमरे को ऑन करेगा और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा कंट्रोल आप ऑफिस में बैठ के अपने कंप्यूटर से कर सकते हो। जो CND लाइव मैनेजर है वहां से आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर करनी है, पूरा कंट्रोल आपको मिल जाता है। तो इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, डिवाइस की क्वालिटी काफी जबरदस्त है। अगर आप भी इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हो तो सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर लिंक वगैरह सारा कुछ मैंने दे रखा है। डिवाइस की कीमत है केवल 90,000 रुपीज, 3 साल की वारंटी मिल जाती है और इसकी जो बॉन्डिंग सर्विस है वो भी आपको 3 साल तक फ्री में इस्तेमाल करने को मिल जाएगी। आपको ये डिवाइस कैसी लगी? अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।